Telangana, where Congress leader Rahul Gandhi is visiting the state today and will sound the poll bugle for the upcoming state elections. Now, Rahul will address a massive public meeting which will witness the accumulation of Congress Legislature Party leaders Bhatti Vikramarka's padayatra. Rahul Gandhi will also welcome former Khammam MP Pongulethi Srinivas Reddy into the party. Now, Srinivas Reddy and ex-minister Jupalli Krishna Rao recently announced their decision to join the party. Congress is also seeking to ward off the challenge from BJP, which is making efforts to emerge as the alternative to the ruling BRS. Now, aiming to win the assembly polls scheduled to be held later this year, Congress is making an elaborate arrangements to make the rally a huge success. Now, let me go across to my colleague Gaurav, who is joining us live. Gaurav, jaisa ki hum jante hain ki Congress jo hai edi choti ka dam aur zor laga rahi hai Telangana elections ko jeetne ke liye, aur aaj jaisa ki hum jante hain ki Rahul Gandhi bhi Telangana mein honge, padyatra ko join karenge, but hame aur bhi bataiye unki strategy ke bare mein. Over to you, Gaurav. बिल्कुल, देखिए तेलंगाना को लेकर कांग्रेस इस बार काफी एग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन जो है वो करने जा रही है, जो कि आज एक तरीके से राहुल गांधी उसकी शुरुआत करेंगे. और इसमें न सिर्फ खम्मम जिले से आने वाले बीआरएस के कई बड़े लीडर्स ज्वाइन करेंगे, साथ ही साथ एक बड़ी पदयात्रा जो तेलंगाना भर में चल रही थी वो भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं खत्म होगी, तो उसका भी जो एक तरीके का वेलकम जो है वो यहाँ पर पूरा किया जाएगा. लेकिन सबसे बड़ा जो मैसेज देने की कोशिश होगा, ये जानने ला जरूरी है कि खम्मम डिस्ट्रिक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर बना हुआ डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ से जो भी पॉलिटिकल मैसेज दिया जाता है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही स्टेट्स के जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, तेलुगु वोटर्स हैं, उनको एक मैसेज जाता है. साथ ही साथ ये जान लेना जरूरी है कि खम्मम ही वो जिला है जहां से इसी साल जो है केसीआर ने अपने एक बड़ी जो महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उसको देखते हुए एक बड़ी रैली की थी जिसमें देश भर के बड़े लीडर, जिसमें केजरीवाल हों चाहे अलग अलग लीडर्स हों, वो एक विपक्षी एकता के तहत हुए थे. लेकिन अब सबसे बड़ा यहां पर चैलेंज यह है कि कांग्रेस उन्हीं नेताओं के साथ विपक्षी गठबंधन में है जो कभी केसीआर के साथ खड़े थे, तो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता की बैठक के बाद लगातार कांग्रेस कोशिश करेगी कि केसीआर के खिलाफ न सिर्फ लेफ्ट बल्कि वो सभी लीडर जो कभी केसीआर के दोस्त हुआ करते थे उनको साथ लाकर केसीआर को हराने की कोशिश की जाए, कि ये इलेक्शन कांग्रेस के लिहाज से तेलंगाना स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है.